नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से एजुकेशन को इस प्रकार से लिया जा रहा है कि उनको इमोशनल अटैच करके हमारा सेंटिमेंटली फायदा उठाकर जिस प्रकार से कुछ महीने पहले एक दो महीने पहले धांसु सर ने जिस प्रकार से अपना चैनल उनका नहीं चल रहा था उसको चलाने के लिए अपनी एप्स को रनिंग करने के लिए कॉन्ट्रोवर्सी में आने के लिए एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में फूट फूट कर रोते हैं कि उनको 50 लाख का कर्ज हो चुका है। वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था और उस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में हमने बताया था। तो उस समय हमको ये लग रहा था कि हाँ, मैं इनको सपोर्ट करना चाहिए और आप सभी ने उनको सपोर्ट किया लाखों रुपए देकर। ठीक है, उसके बाद आज जो ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है वो चल रही है फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे और अमन दत्तरवाल अपनी कक्षा के फाउंडर में। तो बेसिकली इसमें होता ही है कि कुछ महीनों से अपनी कक्षा के जो फाउंडर है अमन दत्तरवाल, उनका जो स्टाफ है वो धीरे धीरे पीडब्ल्यू की ओर खिसक रहा है। जी हाँ, अब फिजिक्स वाला क्या कर रहा है, उसमें जो वीडियो बनाया अमन दत्तरवाल उसमें ये बताते हैं कि पिछले कुछ 3 महीनों से उनके जो ओम सर या उनके जो बहुत ही अच्छे से टीचर थे, हालांकि जिनकी इक्विटी भी थी उनकी कंपनी में, वो भी उनकी कंपनी को अपनी कक्षा को छोड़कर जा रहे हैं और अमन दत्तरवाल का जो ऑफिस था दिल्ली में वो भी अब ऑफिस वहां पर नहीं रहा है और उनके पिता वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। तो इस पर उन्होंने एक वीडियो बनाया और अपनी पूरी भड़ास निकाली। हालांकि वो धांसु सर के लिए रोए नहीं, लेकिन आप वीडियो देखो पूरा, उनमें वो क्या क्या बताते, मेन मेन पॉइंट उन्होंने बताए जो एलिगेशन उन्होंने अलग पांडे पर लगाए। आप खुद पीछे छुप गए थे, आपने कहा था मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, शायद टीम इतनी बड़ी हो रही है, उन्होंने गलती से कर दिया होगा, हम किसी के टीचर बीच में से नहीं लाते। इस बार कैसे वापस कहोगे जब मैं इतने सारे फैक्ट्स और प्रूफ दिखाऊंगा और अपनी कक्षा के जो टीचर हैं वो एक तो उनका थोड़ा बहुत नाम है और आपने उन्हें स्टेज पे टीचर डांस करते करते आए हैं, इस प्रकार से लॉन्च हुआ है, कहीं पीछे पीछे छुप के नहीं उनको जोड़ा गया है। फैक्ट नंबर वन, सबसे पहले एक एमकेसी टीचर थे जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते थे, इन्होंने एकदम से कहा मुझे कोटा में कुछ अर्जेंट काम है जाना होगा, एग्रीमेंट पूरा सर्व नहीं किया, नोटिस पीरियड पूरा सर्व नहीं किया और अब हमें इनकी व्हाट्सएप डीपी से पता चलता है कि इन्होंने फिजिक्स वाला की शर्ट पहनी है। सेकंड और थर्ड नंबर पे दो वीडियो एडिटर्स हैं जिनका नाम है रणवीर और बालकिशन, ये हमारी अपनी कक्षा में काम करते थे और उसके बाद अगले ही दिन गायब हो गए, कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया इन्होंने और बाद में हमें पता, कानों कान तो खबर हो गई थी कि फिजिक्स वाला गए हैं पर कोई प्रूफ नहीं था। कुछ महीनों बाद इन्होंने अपनी स्टोरीज पोस्ट करनी स्टार्ट करी जहाँ पे दिख रहा है कि ये फिजिक्स वाला के ऑफिस में एडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो दो लोग हैं वो फिर से वीडियो एडिटर्स हैं, इनको फिजिक्स वाला कहते हैं ना यार कि हमारे लोग जुड़ जाते हैं मिशन के साथ, कम सैलरी पे भी आ जाते हैं, कम सैलरी पे नहीं आते, हाई ऑफर पैकेज मिलते हैं, ये ऑफर लेटर के मैं प्रूफ यहाँ आज को आपको दिखा रहा हूँ। पर इन दोनों की लॉयल्टी इतनी थी हमारी संस्था के साथ कि ये रुक गए, ये गए नहीं आगे, इन्होंने कहा भैया हम आपके साथ रहना चाहते हैं। है क्या यार, मैं बिल्कुल समझता हूँ, हर जो एम्प्लॉय काम करता है, हर जो व्यक्ति काम करता है उसे एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है तो वो ज़रूर जाना चाहता है, प्रश्न यहाँ पे उसका नहीं है, ज़रूर जाएं। पर यहाँ पे कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया जा रहा, एक तरह से पोचिंग हो रही है, एग्रीमेंट का ब्रेक हो रहा है और ये भी इंडस्ट्री में एक नॉर्मल चीज़ है। पर गौर देने की बात ये है यहाँ पे कि जहाँ ये लोग जा रहे हैं, किसी जमाने में उन्होंने आवाज उठाई थी कि बड़े बड़े अटैक उनके लोग लेके जा रहे हैं और लाखों बच्चों ने समर्थन दिखाया था, अगले जो व्यक्ति हैं इनका नाम बोलते हुए तो यार मेरे को खुद बहुत बुरा लग रहा है और मेरा बच्चा भी वो हर एक चीज को फील कर पाएगा। ये हमारे साथ करीबन 2.5 साल रहे, इनके ऊपर हमने सबसे ज्यादा टाइम एनर्जी साथ में मिलकर लगाया, चाहे वो एनिमेशन के माध्यम से हो गया, एडिटिंग के माध्यम से हो गया। इनका नाम है ओम पांडे। हमने अगला व्यक्ति एकदम से खड़ा होकर बोल देता है मेरे को आज ही जाना होगा, मैं कंपनी से रिजाइन करना चाहता हूँ, आप कर दो नहीं तो मैं खुद छोड़ दूंगा, आप टर्मिनेट कर दो मुझे नहीं तो मैं खुद छोड़ दूंगा। नेक्स्ट व्यक्ति है राघव, जिन्होंने कहा मैं एकदम से कंपनी छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज की प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। जाते वक्त इन्होंने हमारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी। कुछ जब महीने हो गए तब जनाब इन्होंने पहला लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला जहाँ पे हमारे बारे में काफ़ी बुराइयाँ करी। मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि जो व्यक्ति जाते वक्त इतना अच्छा लिखा वो एकदम से उल्टा कैसे हो गया। किसी ने कहा कि भैया ये लिंक्डइन पोस्ट से एक हफ्ते पहले इन्होंने फिजिक्स वाला ऑफिस के आगे फोटो खिंचाई थी। मैंने कहा यार उससे कुछ प्रूफ नहीं होता। आज के दिन यही व्यक्ति जो हमारे प्लेटफॉर्म पे 9th onward बच्चों को मैथ्स पढ़ाते थे अब कोडिंग लीड है वहां पर। नेक्स्ट जो फैक्ट है इसको ध्यान से सुनना क्योंकि यहीं से कंक्लूजन्स निकलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस व्यक्ति का नाम था सूरज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक वीडियो एडिटर के स्थान पर थे। इन्होंने एक टाइम पे मेरी मम्मी के बारे में एक गाली भी लिखी थी अपने फेलो एम्प्लॉय को व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके हमारे पास ये प्रूफ। साथ में इन्होंने सच्चा लायर करके मेरी किसी पॉडकास्ट के नीचे कमेंट भी किया। फिर इन्होंने कुछ इल्लीगल एक्टिविटी कर दी थी जिसके रिस्पॉन्स में हमने इन्हें कहा कि प्लीज़ आप अपने
ये चीज़ें जो हैं इन्हें हटा लीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेरी मम्मी के बारे में भी कुछ बोला है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ें हटा लो। आपको पता है अगली तरफ से एक रिप्लाई आता है, रिप्लाई एक लॉयर ने दिया है, और लॉयर का हमने थोड़ा रिसर्च किया, आपको पता है वो कहाँ काम करता था? लॉयर लिंक्डइन पे लिख रखा है आई वर्क फुल टाइम एट फिजिक्स वाला। मतलब हमारे अगर किसी से डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उस डिस्प्यूट के पीछे जो लॉयर खड़ा है दूसरी पार्टी के, वो फिजिक्स वाला पे फुल टाइम काम करता है। यहां पे हमें खुद शक हुआ। अब आप बताओ कि यार ये हो क्या रहा है, 3 महीने के अंदर एक साथ इतने सारे लोग और अब किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके पीछे भी वही। मेरे को नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। तो आपने देखा अमन दत्तरवाल ने क्या क्या लिखे से लगाए अलग पांडे के ऊपर। अब हम जो वीडियो अभी अपलोड किया, जो वीडियो बनाया अलग पांडे सर ने, उनमें हम देखते हैं उन्होंने एलिगेशन का कैसे से सफाया गया। तो एक तरफ पे अलग पांडे जो कि एक यूनिकॉर्न कंपनी है हजारों करोड़ की, और दूसरी तरफ अमन दत्तरवाल जो कि अभी धरती पर आ चुके, यानी एक तो धरती पर आया हुआ है और दूसरा आसमान पर है। इन दोनों की कॉन्ट्रोवर्सी में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारा यानी स्टूडेंट्स का किस प्रकार का लॉस है। आप देखो अमन दत्तरवाल ने बहुत सारे बेंज लॉन्च किए, आरंभ बेंज भी लॉन्च किया, और उन लॉन्च करते ही उन्होंने बेंज भी स्टार्ट किया, फीस ली और फीस रिफंड कर दी, उनकी बेंज नहीं चले क्योंकि उनकी फैकल्टी फिजिक्स वाला में चली गई। अब वही फिजिक्स वाला क्या करते हैं, इन सभी को हायर करें। और अब आप मान लो जैसे फिजिक्स वाला की कॉन्ट्रोवर्सी एलन से भी पहले चल रही थी, तो एलन से चल रही थी उसमें क्या हुआ कि उसमें भी यही हुआ, जो कोचिंग हो रही है टीचर्स की, कोचिंग का मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो टीचर्स है बीच में छोड़कर चले जा रहे हैं कुछ रुपयों के लिए, ज्यादा पैसे के लिए दूसरी कोचिंग में जाकर पढ़ा रहे हैं, यही सब हो रहा है इसमें भी। तो इसमें नुकसान हमारा हो रहा है, स्टूडेंट्स का हमारा हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा एडटेक कंपनियों के बीच ये महायुद्ध अभी चल रहा है, इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। अमन दत्तरवाल सर, यू मस्ट हैव डन, जितना भी रिलेशन था हम लोग का, छोटा बड़ा अच्छा खराब, जितना भी था इतनी रिस्पेक्ट होती है, एक व्हाट्सएप मैसेज आपका आता ना, यूं काम होता आपका, यूं। कोई बोल रहा है इनको तो पता है अमन दत्तरवाल के टीचर हैं, तो इनको इन्होंने क्यों हायर कर लिया टीम के लोग। अरे भाई वो बंदा जॉब छोड़ चुका है, अपना काम कर रहा है, वो यहाँ उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, वो परेशान, वो आएगा हम जॉब भी नहीं देंगे, उसने वहां कोर्स भी कंप्लीट कर दिया, हम मतलब किस क्राइटेरिया पे नहीं, आप अमन का जॉब करते हो आप जीवन भर पीडब्ल्यू में नहीं आओगे, ये थोड़ी हो सकता है यार। क्या आपके ऊपर तो पाप चढ़ गया, आप तो अमन दत्तरवाल सर के चैनल पर दिख चुके हैं, अब तो आपको छू ही नहीं सकते कभी जीवन भर, आप पे तो ठप्पा लगा हुआ है अमन दत्तरवाल सर का, आप बहुत अच्छे टीचर्स लेके आए थे, बट सारे के सारे चले गए हैं, बहुत कम बचे हैं सर, हमको ही पता है, आपको ही पता है सर, अपनी कक्षा को लेकर आपका कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, होना चाहिए। कल आपने वीडियो में बोला इंसान 10 बार गिरता है 11वीं बार उठता है, प्लीज उठो आप, मैं चाहता हूं आप उठो, आप लॉन्च करो अफोर्डेबल कोर्स, पीडब्ल्यू भी और अफोर्डेबल कोर्स करेगा, क्वालिटी पे हम लोग कंपीट करेंगे, बच्चों को अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा, एंड दिस इज वॉट सूट्स यू अमन दत्तरवाल सर, दिस इज वॉट यू आर मेंट फॉर अमन दत्तरवाल सर, फॉर ब्रिंगिंग रेवल्यूशन नॉट फॉर क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सी अमन दत्तरवाल सर। ये तो करेंगे हम लोग सर, उनसे लड़ना है, वो जो बड़े लोग हैं, मैंने इनका कितना सपोर्ट किया है, मैं हमेशा इनके साथ खड़ा था, कब कहां कैसे सवाल उठाया आपने, आप मेरे पॉडकास्ट पे क्यों आए सर, आपने मैसेज करके बुलाया, हम आ गए सर, कितने इंटरव्यू में सर मैं जाता हूं, बहुत से इंटरव्यू में जाता हूं, हमारे आपके बच्चे कॉमन थे बहुत सारे, बच्चे बहुत प्यार करते हैं, आपने बुलाया सर मैं आ गया। अब कितनी छोटी बातों में मैं जाना नहीं चाहता कि उस वीडियो को आपने एक नए चैनल पे लॉन्च किया, उस चैनल को उस वीडियो से उठाया, उसके कवर फोटो में मेरी फोटो लगाई, फिर मैंने आपको मैसेज किया कि सर कवर फोटो में मेरी फोटो लगी, इससे बच्चे मिसलीड हो रहे हैं कि असल में चैनल मेरा और आपका मिला के, तो आपने कहा एडिटर ने गलती से कवर पेज के ऊपर फोटो लगा दी, कवर पेज के ऊपर एडिटर गलती से फोटो नहीं लगाता इतने बड़े चैनल पे, कहां मैं जाऊं, दिस सूट्स अस, ये कीचड़ उछालना हम दोनों को सूट करता है भाई, दिस इज द कॉन्ट्रोवर्सी दैट स्टूडेंट डोंट डिजर्व फ्रॉम बोथ ऑफ अस। यार लाख बुराई मेरे अंदर भी है मन सर, आप भी आगे अगले वीडियो में मेरे पे लाख बुराई निकाल दोगे, हम दोनों में लाख बुराई है भाई, कीचड़ नहीं उछालना था, फोन पे बात करनी थी, मैसेज कर, एक मैसेज, भाई भाई बोलते हैं, सर सर बोलते हैं, एक मैसेज करना था ना, रेवोल्यूशन ला रहे हैं,
आप देख लेना जाके अलग पांडे चैनल पे एक शॉर्ट पड़ा है जिसमें बोला है मैंने इंडिया में सेलिब्रिटी टीचर्स बन रहे हैं कितनी अच्छी बात हो, फिर आपका वीडियो लगा हुआ है, आपका वीडियो लगाया सर उसके, मैंने बोला है बहुत प्राउड की बात है इंडिया में टीचर सेलिब्रिटी बन रहे, उसमें आपका वीडियो लगाया मैंने। मीटिंग में पूछा इसमें कौन कौन से टीचर्स का वीडियो लगना है, मैंने कहा कितने को वीडियो करोगे, बहुत से टीचर है, मैंने ये बताया मैंने कहा मंत्र को शुरू करता हूं ओपनली कितनी बार कितने प्लेटफॉर्म पे आपकी तारीफ की है, ये आपने सवाल भी उठाया कम्युनिटी पोस्ट पे कि अगर मैं इतना बुरा हूं तो तुम आप मेरी तारीफें क्यों कर रहे थे हमेशा, क्योंकि आप बच्चों के लिए कहीं ना कहीं अफोर्डेबल एजुकेशन बना रहे थे, कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस आप कर जाते हो सर, कुछ फॉल्स डील्स आप कर जाते हो, जैसे कि आपने की पूरी वो हाइब्रिड सेंटर की, ये ऑफिस इनका नहीं था बच्चों, यही होता है कीचड़ उछालना, हम भी चालू हो गए थे, ये इनका ऑफिस नहीं था, दूसरी कंपनी से डील हुई थी, टीचर्स भी उसी कंपनी के थे, उस कंपनी के साथ भी इनका लॉसूट चल रहा है इस टाइम, तो केस चल रहा है, ना वो कंपनी इनकी थी ना वो इनका न्यू ऑफिस, वो सीक्रेट रूम कहाँ है सर, सीक्रेट रूम कहाँ है, वेयर इज द सीक्रेट रूम, आई डिमांड आंसर, वेयर इज द सीक्रेट रूम सर, वेयर इज दैट ऑफिस सर, वो ऑफिस कहाँ गया सर, आपका था ना सर, सर मुझे दिक्कत इस चीज से नहीं, ऑफिस किसी और से, दिक्कत ये जो सच है बताते हैं बच्चों को ना, चलते हैं सच के साथ, वो हाइब्रिड सेंटर्स को आपने डिसोन कर दिया सर, खोल के बच्चे आपके भरोसे पे गए थे वहां, आपने डिसोन कर दिया उसको, अपनी कक्षा का यार एसोसिएशन किसी के साथ नहीं है, किसी के भी साथ नहीं है, हाँ कुछ लोग कोर्सेज बेच रहे हैं 80-80 हज़ार रुपए के, भाई मैं उनके पीछे नहीं हूं, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, उनका मेरा कोई ताल्लुक आपसे नहीं है, और स्टार्टिंग में बच्चों को कितना समथिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनसेड एंड सो दिस इज गगन सर की हायरिंग नहीं कि आगे समझे, यहाँ पे हमने ह्यूमन रिसोर्स लिखा है क्या, इन्होंने गगन सर को टर्मिनेट कर दिया, अच्छा तो टर्मिनेट का मतलब समझते हो कि कल से मत आना, तुम्हारा कहानी खत्म है, मैंने बोला था ना पहले ही मैसेज आ चुका था, बस ये लिखना उनका बाकी था, उन्होंने जब ये लिख दिया तो उन्होंने कैसे लिखा है, बोला ये कि गगन सर को पोच किया गया, अरे भैया तुम टर्मिनेट कर रहे हो गुरु, मेरे भाई आप टर्मिनेट करोगे किसी को तो नौकरी नहीं ढूंढेगा, उसके घर में खाने की जरूरत नहीं है, नहीं पहनना कपड़े, नहीं चलना है भैया उनको जिंदगी में अपने आगे, वही रहे आपके पास, समझो बच्चों आप भी समझो, जब आप ऐसी कंपनी रन कर रहे हो ना जिसमें 5,000 लोग एम्प्लॉयड हैं, टीम मेंबर हैं, और जिसके अंदर अनगिनत बैचेस हैं, अनगिनत आपके मॉड्यूल्स हैं, अनगिनत आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो एक दिन के अंदर आपके 4-5 ऐसे केसेस होते रहते हैं रोज, पर फाउंडर्स बात करते हैं, मैसेज ड्रॉप करते हैं कि अलग आया हर्ड दिस इज हैपेंड, मैं कहता हूँ ओके विनीत लेट्स मीट लेट गेट ऑन अ कॉल और रिजॉल्व हो जाता है, दिस इज हाउ द स्टार्टअप कम्युनिटी इन इंडिया इज ग्रोइंग सर, ये बच्चे भी कल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम लोग क्या दिखा रहे हैं इन लोग को, एक व्हाट्सएप मैसेज वो